नमस्ते दोस्तों कैसे हो मैं अभिषेक आप सबका अभिनय नल्लिंग पर वेलकम करता हूँ जैसा कि आपको पता है मैं रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने एक क्लास नंबर सीरीज़ की ले चुका हूँ जिसमें मैंने नंबर सीरीज़ के कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल आपको कराए थे कि पेपर में कैसे कैसे टिपिकल सवाल बन सकते हैं या जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है वो सवाल कैसे होते हैं ठीक है आज मैं कराऊंगा आपको क्लॉक चैप्टर क्लॉक में आपको पता है कि क्लॉक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का चैप्टर है थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है क्योंकि इसमें होता क्या है कि आ, इसमें ना कई तरह के सवाल आप पेपर में बनते हैं और कई तरह के सवाल उसमें से पूछे जाते हैं जैसे कि इसमें मिरर इमेज भी पूछा जाता है मान लीजिए कोई आपको टाइम दे देगा इसका मिरर इमेज क्या बनेगा एंगल के सवाल इसमें बहुत बनते हैं पेपर में कोई आपको टाइम दे देगा मान लीजिए आपसे पेपर में पूछे तीन बजे कितने डिग्री का एंगल होगा तो सीधा सा उसमें तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है सीधा आपको पता है आवर की सुई तीन पे होती है मिनट की बारह पे होती है सीधे नाइन्टी डिग्री एंगल बनेगा तो ऐसे डिफरेंट टाइप के सवाल बहुत बनते हैं एक सवाल क्या बनते हैं आपसे पूछेगा अच्छा बताइए जैसे पेपर में क्या सवाल आएगा क्या अच्छा बताइए पांच बजे के बाद कितने बजे सौ डिग्री का एंगल बनेगा या सत्तर डिग्री का एंगल बनेगा या सौ डिग्री का एंगल पांच बजे के बाद पहली बार कितने बजे बनेगा उसमें टाइम पूछेगा यानी एंगल दे रखा होता, होता है तो टाइम पूछता है और टाइम दे रखा होता है तो एंगल पूछता है यानी बहुत तरह के सवाल इसमें बनते हैं हम सारे टाइप के सवाल इसमें करेंगे जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अभी तो सबसे पहले हम इसका एक बहुत बेसिक मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक इसमें सबसे पहले क्या पूछता है कि क्लॉक चैप्टर में तो आप पेन और कॉपी ले बैठ जाइएगा क्योंकि जब तक आप पेन और कॉपी पर नोट नहीं करेंगे तब तक आपको बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी क्यों क्योंकि आप सामने देखोगे और कुछ चीज़ें दिमाग में बैठेंगी कुछ चीज़ें नहीं बैठेंगी तो आपको साथ साथ नोट भी करना है जो आपको लगे कि यहाँ कुछ हमें नोट करने की ज़रूरत है वहाँ आप नोट करिएगा ठीक है तो हेडिंग डाल लीजिएगा सबसे पहले आप क्लॉक चैप्टर क्लॉक का मीन होता है घड़ी जो कि आप लोगों की कुछ की अच्छी भी चल रही है और कुछ की खराब भी चल रही है तो हम चाहते हैं कि सभी लोगों की अच्छी चले घड़ी आप लोगों ने सबने देखी है अपने घरों में आपके हाथों में भी घड़ी होती है वैल्यू किसकी है पता घड़ी में वक्त की वक्त की वैल्यू है कि आप अगर उस वक्त की कदर नहीं करोगे तो घड़ी की कोई वैल्यू नहीं है घड़ियां होता ना घड़ियां तो गिफ्ट में बहुत मिली वक्त नहीं मिला तो वैल्यू किस चीज की वक्त की जो कि आपको बहुत करने की जरूरत है वक्त की कदर करिएगा अब देखो आते हैं हम सबसे पहले क्लॉक चैप्टर में होता क्या है इसमें देखो तो एक तो आसान सवाल जो पेपर में पूछा जाता है वो मिरर इमेज पे ज्यादा पूछ सकता है वो भी कभी कभी पूछता है रेयरली ये घड़ी हमारा हेडिंग हो गया ठीक है घड़ी हेडिंग है हमारी उसके बाद हमने क्या किया ये आप नोट कर लीजिएगा देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट है एक हमारा मिरर इमेज एक मिरर इमेज होता है घड़ी में और एक आता है चैप्टर है अलग से रीजनिंग में मिरर एंड वाटर इमेज वो अलग चैप्टर है उसको हम अलग से पढ़ेंगे इसमें थोड़ा कुछ सवाल है मिरर इमेज का वो इसमें करते हैं और नंबर दो हेडिंग है वाटर इमेज जल प्रम्प मिरर इमेज का मतलब है दर्पण प्रतिवेम देखो सबसे पहले होता क्या है कि अगर मुझे मान लीजिए ये घड़ी दी हुई है ये घड़ी आपको सबको दिख रही है ये वाली घड़ी दी हुई है यहाँ पे बारह होता है यहाँ पे तीन होता है यहाँ पे छ होता है और नौ होता है अगर मैं इसके राइट में ये मिरर है इसके राइट में मैंने मिरर रखा ठीक है जरूरी नहीं राइट में रखूँ मैं लेफ्ट में भी रख सकता हूँ ठीक है राइट में मैंने मिरर रखा यानी मैं फिर इसको ऐसे देखूंगा ऐसे इधर एरो बना देता हूँ ऐसे मैं इसको देखूंगा तो ये जो तीन है ना देखो मिरर इमेज में क्या होता है दर्पण पृथ्वी में लेफ्ट और राइट वाले पार्ट चेंज होते हैं यानी ये जो तीन था ये जस्ट ये अपोजिट हो जाएगा उल्टा बन जाएगा उल्टा बन गया बारह में कोई चेंज नहीं होगा बारह अपना बारह की जगह रहेगा मैं पोजिशन की बात कर रहा हूं पोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा ये बारह बारह की जगह रहेगा छह छह की जगह रहेगा लेकिन जहां पे तीन था ना वहां पे तो आपको जहां पे ये था नौ यहां पे आपको तीन बना दिखेगा उल्टा और जहाँ पे तीन तो आपको उल्टा नो बना देखेगा तीन और टॉप एंड बॉटम सेम रहते हैं टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होता क्यों क्योंकि देखो आप यहां पे बारह है बारह रहेगा यहां पर छह छह रहेगा लेकिन यहां पे तीन था तो यहां पे देखो आपको जब आप उल्टा करेंगे इसको ये वाला तीन यहां गया ये वाला नो यहां पे देखेगा आपको ये तो नंबर उल्टे कर दिए मिरर इमेज में बाकी मैं बात कर रहा हूँ पोजिशन की पोजिशन चेंज नहीं होगी लेकिन वाटर इमेज में क्या होता है सेम वाटर इमेज में थोड़ा डिफरेंट है वाटर इमेज में क्या होता है कि जैसे ये घड़ी बनी हुई है यहाँ पे सेम घड़ी मैंने बना दी है बना हुआ है क्लॉक बारह ये तीन ये ये नौ ये इसमें क्या होगा टॉप और बॉटम चेंज होता है इसमें ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर चेंज होता है और जो लेफ्ट राइट है नौ और तीन वो लेफ्ट और राइट सेम होते हैं इसमें क्या था लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं क्या आपके दिमाग में पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर मिरर इमेज की बात करता तो उसमें लेफ़्ट और राइट right वाली पोजीशन चेंज होती है और अगर वाटर इमेज की बात करता तो टॉप और बॉटम चेंज होता है ये वाटर इमेज मैंने लिखा है टॉप एंड बॉटम चेंज और लेफ्ट और राइट right सेम क्यों क्योंकि देखो यहाँ पे ये बारह था यहाँ पे नौ आ गया छः की जगह बारह आ गया ठीक है बारह की जगह छः दिख रहा है नौ नहीं है ये और छः की जगह बारह आ गया नौ और तीन तीन झोंके तो रहे इनमें कोई चेंज नहीं हुआ तो ये तो बहुत बेसिक चीज थी क्लॉक की जो रेयरली कभी कभी आपसे पूछ सकता है लेकिन इस पर सवाल कैसे बनते हैं वो हम सवाल पे चलते हैं सवाल देखते हैं सबसे पहले सवाल के साथ ही मैं आपको थ्योरी बताऊंगा कि उसमें आपको कैसे करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लॉग किलॉग में कई तरह के सवाल बनते हैं हम सारे तरह के सवाल आपके करेंगे चाहे वो कैसा भी सवाल बनता हो किसी पेपर में आता हो कि आपका किसी के पेपर का कोई सवाल ना छूटे दिख रहा है ना सबको भाई ठीक है सबको दिख रहा है थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं देखो ठीक है अब देखो सवाल पे आते हैं इमेज इन द मिरर इसमें देखो कैसा बनेगा सवाल अगर मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है इमेज इन द मिरर इज ऑलवेज अपोजिट एंड सम विल बी ट्वेल्व जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये वाली क्लॉक बनी हुई है ठीक है देखो इस वाली क्लॉक में बारह बज रहे हैं ये क्लॉक बनी हुई है बहुत सिंपल अच्छी क्लॉक बनी हुई है यहाँ बारह बज रहे हैं बारह बज सॉरी बारह पे मिनट की सुई तीन पे घंटे की सुई यानी तीन बज रहे हैं अगर थ्री ओ क्लॉक इसमें टाइम हो रहा है तो देखो राइट में क्या दे रखा है मिरर दे रखा है राइट में तो जो टाइम इसमें चेंज होगा ना मिरर इमेज में तो मैंने आपको क्या बताया था कि टाइम जैसे इसमें तीन बज रहे हैं और मैं इसका मिरर इमेज टाइम अगर पूछता हूँ आपसे तो नौ बज जाएगा इसलिए यहाँ पे ये तीन और नौ को चेंज ना करके इसने घड़ी की सुइयों को चेंज कर दिया है अगर वो घड़ी की सुइयों को चेंज नहीं करता तो फिर तीन हाँ तो नौ और तीन आता नौ लेकिन वाटर मेर इमेज उसने पूछा हुआ है तो सुई ये वाली इसके करीब लाइन के तो सुई चेंज होगी इसलिए हमने सुइयों को चेंज किया और घड़ी में नौ बजा दी है यानी अगर घड़ी में हमारी में तीन बज रहे हैं तो मेर इमेज टाइम क्या होगा नाइन होगा क्यों होगा क्योंकि दोनों नंबरों का सम बारह होता है ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया सम विल बी ट्वेल्व अगर मान लीजिए हमारी घड़ी में एक रहे हैं चाहे ए एम है चाहे पी एम है इससे कोई मतलब नहीं है बात हो रही है एक की ठीक है तो मेरे इमेज टाइम क्या होगा जैसे मान लीजिए ये घड़ी बनी हुई है मैं आपको समझा देता हूँ एक बार बना के ये बारह हो रहा है यहाँ पे एक हो रहा है यहाँ पे दो और तीन नौ छः ये ग्यारह है ये दस है देखो अगर घड़ी में एक बज रहा है अगर मैं आपसे पूछूं इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा तो जस्ट ये जो सुई इधर थी ये इधर पलट जाएगी नहीं पलट जाएगी यानी ग्यारह बज जाएंगे नहीं बज जाएंगे भाई सिमेट्रिक फिगर बननी चाहिए होगी एक का ग्यारह बज गया सम कितना आया एक और ग्यारह का बारह आया तो कहने का मतलब वो ये कि चाहे कोई भी टाइम आपको दिया हुआ है उन दोनों का सम ट्वेल्व के बराबर होना चाहिए तब वो मिरर इमेज टाइम होगा अब जैसे आपसे एक बोला है तो मिरर इमेज टाइम ग्यारह हो जाएगा इसका अगर आपको टाइम दो दिया हुआ है तो दस हो जाएगा मिरर इमेज टाइम क्योंकि दोनों का सम बारह है तीन दे रखा है तो नौ मिरर इमेज टाइम सम बारह चार दिया हुआ है मिरर इमेज टाइम आठ सम बारह सेम पाँच और सात के केस में अब बचा एक क्या छः अब आप खुद देखो कि अगर हमें उसने बोला है कि घड़ी में छह बज रहे हैं और मेरे मेरे टाइम बताओ तो आपको नहीं पता यार कितना आसान बनेगा ये तो इसमें तो कुछ है ही नहीं बारह छ तीन नौ देखो ये मान लीजिए ये आपकी मिनट की सोई हो गई ये आपकी आवर की सोई हो गई अब आप देखो कि घड़ी में छः बज रहे हैं ठीक है सिक्स ओ क्लॉक टाइम मैं यहां लिख देता हूं सिक्स ओ क्लॉक और आपसे उसने बोला है कि मिरर इमेज टाइम क्या होगा तो भैया छ का सम कितना होता है छ ही होता है इसके दोनों के बराबर पार्ट हैं तो वैसे भी सिमेट्रिक फिगर बननी है कोई फर्क ही नहीं होगा चाहे मिरर इधर लगा हो चाहे इधर लगा हो तब भी छ का मिरर इमेज टाइम क्या होगा छ ही होगा चाहे आप ऐसे कर लो जैसे छः का मिरर इमेज टाइम पूछा तो बारह में से आप छः माइनस कर दो तब भी आपको पता लगेगा कि छ ही होगा तो क्या मालूम पड़ा आपको सिंपल एक भाषा एक लाइन में आप समझ लीजिए कि अगर आपसे कोई भी सवाल दिया हुआ है और उसने आपसे पूछा है कि इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा तो आपको क्या बोलना है कि जी दोनों नंबरों का सम बारह होना चाहिए रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इक्वल टू बारह ठीक है सिंपल है अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे कि नेक्स्ट पार्ट में हमसे कैसा सवाल पूछ सकता है वो देखो क्लॉक थोड़ा सा लेंथ थ्योरी और थोड़ा सा चैप्टर डिफरेंट है तो आपको बड़े तसल्ली के साथ समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें कैसा भी सवाल आ सकता है जब तक आप पूरी इसकी थ्योरी नहीं समझेंगे जब तक आप नहीं सवाल कर पाएंगे ठीक है अब देखो अगर आपसे मिरर मिल टाइम पूछा है वो तो आपने कर लिया जी एग्जैक्ट टाइम का पांच है सात है छ है आठ है नौ है अब अगर टाइम आपको दिया गया कौन सा मिनट वाला दिया हुआ है मिनट के साथ सेकंड वाला दिया हुआ है तब आप कैसे करोगे अब वो देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया आप ध्यान से देखना बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर टाइम में आप बारह में से आप वो टाइम माइनस कर दोगे जो आपको दिया गया है तो मेरा रिमेज टाइम निकल जाएगा तो वो तो आपने भाई एग्जैक्ट टाइम में कर दिया जैसे मान लीजिए पांच का उसने पूछा मेरा रिमेज टाइम तो आपने बारह में से माइनस सात माइनस पांच कर दिया सात आ गया अब अगर मिनट का दे रखा है कि अगर मान लीजिए उसने आपसे बोल दिया कि चार बज के पैंतालीस मिनट हो रहे हैं घड़ी में चार बज के पैंतालीस मिनट तो मेरे मेरे टाइम क्या होगा अब आप उसको कैसे माइनस करोगे देखो आप ये मान के चलो आपसे घड़ी में बारह बज रहे हैं इसमें किसी को डाउट से नहीं तो क्लियर एक ही लाइन है बारह बज रहे हैं क्या आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते ग्यारह बजकर साठ मिनट लिख सकते हो ग्यारह बजकर साठ मिनट तो मैंने वही तो किया बारह को ग्यारह साठ कर दिया बस ग्यारह साठ में से मैंने चार पैंतालीस माइनस कर दिया दस में से पांच गए पांच पांच में से चार गया एक और ग्यारह में से चार गए सात यानी कितना टाइम आ गया सात पंद्रह अब आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर आवर के साथ साथ मिनट का टाइम भी दिया गया है तो आपको ग्यारह साठ में से माइनस करना यानी ग्यारह बज के साठ मिनट बात वही है बारह बस मैंने उसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया जिससे कि मिनट में, में माइनस कर सकूं अब मान लीजिए आवर के साथ साथ मिनट तो दे रखी थी अब सेकंड भी दे दी तब आप कैसे माइनस करोगे अब आप मुझे एक बात बताओ अब जैसे ग्यारह साठ लेखा है क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते ग्यारह तो रहेगा ही ये मिनट था, मैं इसको नहीं लिख सकता मिनट और सेकंड भाई इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तब ये भी बारह के बराबर है ये भी बारह के बराबर है ये तो थे, है ही बारह अब सेम ये वाला था कि तीन बजकर चालीस मिनट पच्चीस सेकंड अगर आपको दिए गए हैं और आपका मिरर इमेज टाइम पूछा तो मैंने क्या किया ग्यारह साठ में से इसको माइनस कर दिया में 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 से 25 के 35, में से 40 के 19, 11 में से मिरमेज टाइम, टाइम किसका जब आपसे पूछा है कि तीन बजकर चालीस मिनट पच्चीस सेकेंड का क्या इमेज टाइम होगा अब आपको समझ में आया इसमें किसी को डाउट तो नहीं है आसान चीज है डाउट होना भी नहीं चाहिए मैंने आपको अब ये बता दिया कि अगर आपको आवर पूछा है तो सिंपल बारह में से माइनस कर सकते हैं आवर के साथ साथ मिनट दिया गया तो आप ग्यारह बजकर साठ मिनट में से माइनस कर सकते हैं आवर मिनट सेकंड भी दिया गया है तो आप ग्यारह बजकर उनसठ मिनट साठ सेकंड में से माइनस कर दीजिए आपका एग्जैक्ट मिरर इमेज टाइम निकल के आ जाएगा यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आराम से समझ में आ रहा आप नोट करते रहना और एक दो बार जब कॉपी में लिखोगे ना आपने हाथ से अपने पेन से क्योंकि लिखी हुई चीज़ें जल्दी याद होती हैं तो आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि मैंने क्या लिखा है कैसे आपको समझाया है क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लिखोगे आपके पेपर में सवाल आएगा तो आप कैसे कर पाओगे ठीक है क्योंकि अगर सारी चीज़ें आप बिना लिखे ही कर लो फिर तो किताबें इतनी हैं फिर तो आप किताबों से पढ़ लो आपको खुद लिखना पड़ेगा खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे ठीक है जी अब आते हैं हम नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक नेक्स्ट भी टिपिकल नहीं अच्छा आसान सवाल है इसी का सवाल है सवाल मैंने पूछा है जो आपको अभी बोला था मिरर इमेज का सवाल आपको दिया है भाई कितना आसान सवाल है देखो फाइंड मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब क्या सवाल है एक तो इतना पेन के बिना चल देता है देखो क्या सवाल है कि अगर हमें दे रखा है टाइम उसने पांच बजकर अट्ठाईस मिनट इकतीस सेकेंड देखो आप टाइम क्या दे रखा है आवर मिनट के साथ साथ सेकंड भी दिया गया है कि पाँच बजकर अट्ठाईस मिनट इकतीस सेकेंड अगर टाइम है तो आपको मिरर इमेज टाइम इसका फाइंड करना है क्या हुआ अभी अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि अगर आवर मिनट सेकंड दी हुई है तो आपको किस में से माइनस करना है इलेवन फिफ्टी नाइन और सिक्सटी यानी ग्यारह पूरे घंटे हैं उनसठ मिनट है और साठ सेकंड है क्योंकि मैं उनसठ मिनट साठ सेकंड को भी साठ मिनट बोल सकता हूँ तो ग्यारह साठ हो गए ग्यारह साठ का मतलब बारह हो गए माइनस आपको बारह में से ही करना है अब देखो जिनसे नहीं हुआ वो एक बार ध्यान दें अब जैसे मैं क्या दे रखा पांच अट्ठाईस इकतीस मैंने आपको क्या बताया था ग्यारह उनसठ और यहां पे क्या आ गया भैया आपका साठ आप माइनस कर दो सीधे क्योंकि एग्जैक्ट टाइम आप ऐसे ही निकाल पाओगे और पेपर में एग्जैक्ट निकालना है आपको आपको अपने आइडिया से नहीं देना क्या जवाब है ठीक है अब मान लीजिए मैं इसमें से माइनस करता हूँ अब तो माइनस करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है साठ में से इकतीस गए दस में से एक गया नौ पाँच में से तीन गए दो उनतीस आ गए यहाँ पर कोई डाउट नहीं है नौ में से आठ गया एक पाँच में से दो गए तीन और ग्यारह में से पाँच गए छः यानी क्या आया मेर इमेज टाइम छः बजकर इकतीस मिनट उनतीस सेकंड एग्जैक्ट टाइम आएगा जो इसका मिरर इमेज टाइम है कौन सा ऑप्शन दे रखा भाई साहब डी वाला आंसर है इसका इस सवाल में कुछ था बताओ अगर आपको ये ना पता हो कि मुझे मेरे न मेरे टाइम कैसे निकालना है आप डायरेक्ट घड़ी लेके बैठे हो जो कि आपके पेपर में अलाउ नहीं हो गई तो आप बता पाएंगे एग्जैक्ट एग्जैक्ट टाइम आप इसी से बता पाएंगे जब आप माइनस करोगे उसको ग्यारह उनसठ साठ में से ठीक है एक सवाल और करके देखते हैं इससे दे। अभी इसमें बहुत तरह के सवाल बनेंगे क्लॉक में आप भी देखोगे यार क्या कैसे सवाल बनते हैं चलिए दूसरा सवाल देखिएगा आप अब देखो इसमें टाइम आपको 12 से ज्यादा दे रखा है इसमें टाइम आपको कैसे रखा उसमें 12 से कम था इसमें क्या दे रखा है 12 से ज्यादा यानी बारह बजकर तैतीस मिनट सत्ताईस सेकेंड ये थोड़ा सा और डिफरेंट सवाल है थोड़ा घुमा दिया जिससे कि आप घूमे थोड़ा सा बताइए चलो मैं बताता हूँ देखो बारह बजकर तैंतीस मिनट सत्ताईस सेकेंड देखो अगर आपको टाइम बारह से कम दे रखा है तब तो आप बारह से माइनस कर सकते हो अब अगर टाइम आपको बारह से ऊपर दे दिया यानी जैसे आपने देखा होगा जब आप ट्वेंटी फोर्थ आवर्स का टाइम सेट करते हो मोबाइल में घड़ी में मोबाइल में तो आपको पता है बारह के बाद तेरह आता है फिर चौदह आता है यानी वो चौबीस में जाकर खत्म होता है क्योंकि टाइम बारह से ऊपर हो चुका है तो मैं क्या करूँगा अगर बारह से ऊपर टाइम है तो इसको ना पूरा चौबीस में से माइनस करूंगा। जैसे चौबीस था मैं इसको भी लिख सकता हूं। सेम बारह की तरह तेईस साठ इसको क्या लिख सकता हूं? तेईस घंटे पूरे उनसठ मिनट और साठ सेकंड लिख सकता हूं, ठीक है अब मुझे यही तो माइनस करना है सीधा बारह तैतीस और सत्ताईस माइनस कर दो आप यहाँ से साठ में सत्ताईस गए भैया दस में सात गए तीन पांच में दो गए तीन तैतीस आ गया सेकंड में तो मिनट में कितना आ गया नौ में से तीन गए छह पांच में से तीन गए दो आ गया और तेईस में से बारह आ गया ग्यारह आ गया और देखो तो मुझे मालूम है कुछ लोगों ने जरूर छब्बीस तैतीस आंसर दिया होगा उन्होंने बारह माइनस नहीं किया भैया बारह से ऊपर टाइम है आपको बारह तो माइनस करना पड़ेगा क्या आपको लगता है साढ़े बारह ही टाइम दे रखा था आपने भी साढ़े बारह कर दिया छब्बीस मिनट तैतीस का छब्बीस कर दिया बस क्या आपका आंसर कभी ठीक होगा नहीं होगा इसका मतलब कि अगर टाइम बारह से ऊपर दिया हुआ तो आपको तेईस उनसठ यानी चौबीस में से आपको माइनस करना है तो इसका आंसर क्या आ गया ग्यारह छब्बीस तैतीस मैं उनकी बात भी ठीक मानता हूं जिन्होंने छब्बीस तैतीस आंसर दिया है उन्होंने गलती का ही देखो अगर आपने सिर्फ तैतीस मिनट और सत्ताईस सेकेंड लिया है ना तो भैया आपको टाइम तो पूरा लेना पड़ेगा ना क्योंकि आवर तो नहीं दे रखा है यहाँ पे आपको दे रखा मिनट और सेकंड दे रखा था ये तो आपको फिर ग्यारह उनसठ और साठ यहां पे आपके आवर का टाइम जीरो है मिनट कितनी है 33 सेकंड कितनी है सत्ताईस तब आपको इस तरह माइनस करना पड़ेगा आंसर तब भी आपका ए ही आएगा दूसरा फिर भी नहीं आना 33 कितना हो गया छब्बीस यहां पे ग्यारह आ गया आंसर फिर भी आपका ए ही आएगा आंसर बी तो फिर भी नहीं आएगा आपको बस माइनस करना देखना था कि माइनस आपको किस में से करना है क्यों क्योंकि आपने जो जब यहाँ पे आवर का टाइम दे रखा है तो आप आवर का टाइम लिखिए तभी तो माइनस करोगे आप और आवर का टाइम बारह से ऊपर था तो मैंने चौबीस में से माइनस कर दिया अगर मैं आवर का टाइम लेता ही नहीं हूँ तो मिनट और सेकंड दे रखी है फिर मैं ग्यारह उनसठ साठ में से माइनस करूंगा तब भी आंसर ग्यारह छब्बीस तैतीस आएगा पॉइंट क्लियर यानी अब आपकी समझ में क्या आया पॉइंट कि अगर आपको सिंपल टाइम दे रखा है आवर का तो आप सिंपल बारह में से माइनस करिए आवर के साथ साथ मिनट का दे रखा है तो आप मिनट इलेवन फिफ्टी नाइन या इलेवन सिक्सटी में से माइनस कर दिए सेकंड दे रखी है तो इलेवन फिफ्टी नाइन सिक्सटी में से माइनस करिए बारह से ऊपर टाइम है तो आप चौबीस में से माइनस करिए ठीक है ये हमने दो सवाल कर लिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग टाइम जानते हैं आप क्या होता है जब वो कोई भी सुई जैसे आवर की सुई चल रही है मान लीजिए बारह बजे ओवरलैप किया दोनों ने क्योंकि बारह बजे दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती हैं। पहले आवर की सुई आती है मिनट की बाद में आती है मिनट की सुई उसके ऊपर हो जाती है अब जैसे ही आगे जब भी वो सुई निकलेंगी एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग टाइम यानी जब इन दोनों ने ओवरलैप किया एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजरी संपाती हुई तो वो क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग टाइम क्या होगा जैसे मान लीजिए बारह बजे वो एक दूसरे को ओवरलैप किया तो इसमें तो कुछ कहने का है ही नहीं जैसे ये बारह बज रहा है यहाँ पे मिनट की सुई भी है यहाँ पे आवर की सुई भी है तो भैया ये तो यहाँ पे ओवरलैप कर ही रही हैं यानी बारह बजे ओवरलैप किया फिर मान लीजिए वो एक बजे जब सुई आई एक घंटे की सुई है मिनट की है जब वो इसको क्रॉस करते हुए आगे निकलेगी तो कुछ टाइम यहाँ पे आ चुका होगा यानी एक बज के पाँच मिनट के बाद एक पाँच के बाद क्योंकि पाँच तक, तक तो भैया एक पे ही आ पाएगी और जब मिनट की सुई पाँच तक पहुँचेगी यानी पाँच मिनट में तो कुछ सुई आवर की बढ़ चुकी होगी तो वो जो एक बज के पाँच मिनट के बाद कुछ टाइम जो होगा वो ओवरलैपिंग टाइम हो पाएगा कहलाएगा सेम दो के बाद सेम तीन के बाद यानि जब भी सुई आवर की सुई के ऊपर से मिनट की सुई निकलेगी तो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग टाइम इसका छोटा सा क्या फॉर्मूला है आप नोट करिए क्योंकि एग्जैक्ट आप बिना फॉर्मूले के नहीं बता पाओगे जैसा मान लीजिए ये तो क्लॉक बनी हुई है इसने पांच बजाई हमें यहाँ पे ठीक है पांच बजा रखे हैं अब ये जो मिनट की सुई आगे निकल के आएगी ना यहाँ से मिनट की सुई घूम के आएगी तो जो साढ़े पाँच के आसपास सुई गुजरेगी उसके ऊपर से उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग टाइम इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मिनिमम टाइम मिनिमम टाइम प्लस मिनट बट्टे ग्यारह इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको आप जरूर नोट करिएगा क्योंकि पेपर में इसमें सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कोई भी टाइम दे देगा कि अच्छा बताइए दो बजे के बाद कितने बजे घड़ी की सुइयाँ ओवरलैप करेंगी या तीन और चार के बीच में घड़ी की सुइयाँ कितने बजे ओवरलैप करेंगी अब आपको मिनिमम टाइम और मिनट क्या है वो मैं बताता हूँ अभी आपको जैसे मान लीजिए उसने पाँच बजे ओवरलैप के बाद मुझसे पूछा कि पाँच और छः के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कितने बजे ओवरलैप करेंगी ठीक है तो क्या होगा इसका मतलब कि जो मिनिमम टाइम होगा देखो पांच की सुई तो ऑलरेडी पांच पे थी पहले से ही मिनट की सुई यहां पे थी जब मिनट की सुई थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ के आई तो आवर की सुई थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी होगी तो मिनिमम टाइम का मतलब है कि पांच बजे से पहले तो मिलने का कोई मतलब नहीं बनता मिलेंगी पांच बजे के बाद ही तो मिनिमम टाइम पांच और पांच बजे मिनट की सुई कितना बजाएगी आपको पता है मिनट की सुई के लिए टाइम क्या होता है ये पांच ये दस होता है ये पंद्रह होता है ये बीस होता है ये पच्चीस होता है ये तीस ये पैंतीस, ये चालीस ये पैंतालीस, ये पचास और ये पचपन होता नहीं होता ये मिनट की सुई के लिए टाइम होता है तो मिनट की सुई जब पांच पे आएगी तो क्या होगा पच्चीस यानी मिनिमम टाइम हो गया पांच बज के पच्चीस मिनट के बाद मिलेंगे। पांच पच्चीस से तो पॉसिबल है ही नहीं कि पहले मिल जाए समझ में आपको क्योंकि भैया जब वो पांच पे सुई आएगी मिनट वाली उसके बाद ही तो पॉसिबल हो पाएगा मिलना तो मिनिमम टाइम हो गया पांच पच्चीस प्लस और ये जो मिनट है ना ये मिनट कौन सी है जो मैंने ये पच्चीस लिखा है पच्चीस बट्टे ग्यारह थोड़ा इसको सही से लिख लो पच्चीस बट्टे ग्यारह यानी मिनिमम टाइम पांच पच्चीस हो गया और मिनट पच्चीस बट्टे ग्यारह हो गया अब आप इसको निकाल सकते हो देखो पांच पच्चीस मैंने लिखा जो के तो प्लस ग्यारह पच्चीस में ग्यारह से भाग दूंगा कितना आएगा दो से तीन बट्टे ग्यारह आंसर क्या आ गया इसका पांच सत्ताईस तीन बट्टे ग्यारह अब अगर आपसे एग्जैक्ट टाइम पूछे वो कि पांच और छह के बाद घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे ओवरलैप करेंगी तो आपका आंसर क्या होगा पांच बजकर सत्ताईस से तीन बटे ग्यारह मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी भाई यहाँ तक समझ में आया कोई टिपिकल तो नहीं है ओवरलैपिंग टाइम सीधा सा मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि ओवरलैपिंग टाइम का क्या फॉर्मूला होता है मिनिमम टाइम प्लस मिनट बट्टे ग्यारह है मिनिमम टाइम मैंने आपको बता दिया कि जो समय दे रखा है जैसे पाँच और छः के बीच दे रखा है तो पाँच पहले आएगा पाँच में मिनट की किसी कितना बजे आएगी पच्चीस यानी पाँच पच्चीस के बाद ही मिलना पॉसिबल होगा तो पाँच पच्चीस हो गया प्लस मिनट कितनी थी पच्चीस बट्टे ग्यारह बस उसको आप सॉल्व कर लोगे ठीक है अब इसका एक सवाल करते हैं देखो देखो तो पेपर में सवाल कैसा पूछा जाएगा कि अच्छा बताइए घड़ी में दो और तीन के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगे सीधा सा बस ये फॉर्मूला आप लगा दो आप से एक सवाल करते हैं देखो सवाल इसी पे है एक सवाल इस पर कितना आसान दे रखा है देखो थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी सवाल की जिससे कि आप थोड़ा समझ सकें पेपर में किस लैंग्वेज से पूछा जाता देखो सवाल क्या है कि एट व्हाट टाइम इन मिनट बिटवीन थ्री ओ क्लॉक एंड फोर ओ क्लॉक बोथ द नीडल्स ओवरलैप यानी तीन और चार के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कितने बजे संपाती होंगी मतलब वही है संपाती कह लीजिए आप ओवरलैप कह लीजिए या एक और वर्ड इसका बनता है जीरो डिग्री एंगल क्योंकि जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी तो जीरो डिग्री एंगल ही बनेगा ठीक है या एक दूसरे के ऊपर से कितने बजे गुजरेंगी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी सीधा सा सवाल है बहुत आसान था मैंने अभी आपको क्या बताया डाउट आपको आ रहा होगा मिनिमम टाइम कैसे निकाल लें देखो मैं दोबारा बात बताता हूँ मिनिमम टाइम जिनको डाउट हो वो एक बार ध्यान से समझे घड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई है कोई दिक्कत नहीं है वक्त सीधा रखना है हमें घड़ी से कोई दिक्कत नहीं है जैसे उसने बोला आपसे तीन और चार के बीच ये मिनट की सुई है आवर की सुई है ठीक है चार यहाँ पे बज रहे हैं ठीक है अब आप देखो कि जब तीन बजे तीन और चार के बीच है जब ये वाली सुई मिनट वाली सुई थोड़ी थोड़ी आगे आएगी यानी तीन तक आ पाएगी तब ये आवर वाली सुई थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी होगी पंद्रह मिनट में कुछ तो बड़ी होगी तो वही इसका मिनिमम टाइम है कि तीन पंद्रह यानी इस जो मिनट की सुई तीन पे आएगी उससे पहले तो मिलना पॉसिबल है नहीं उसके बाद ही पॉसिबल होगा तो मिनिमम टाइम जो हमने लिखा तीन बजकर पंद्रह मिनट क्योंकि मिनट की सुई के लिए तीन पंद्रह के बराबर है प्लस मिनट कितनी है जो मैंने ये लिखी है पंद्रह बट्टे ग्यारह इसको आप ही दो फिर ठीक है ये मैंने हटा दिया मान लीजिए यहां से तो क्या था पंद्रह लिख दिया अब आप इसको सॉल्व कर लो भाई एक बार कंप्लीट कटेगा रिमाइंडर कितना बचेगा चार उस एक जो कटेगा वो मैंने इसमें जोड़ दिया कितना आ गया तीन सोलह चार बट्टे ग्यारह कौन सा ऑप्शन है बी एस आई बी तीन सोलह चार पट्टे ग्यारह बताओ इस सवाल में कुछ था बस आपको फॉर्मूला याद रखना है मिनिमम टाइम प्लस मिनट पट्टे ग्यारह और मिनिमम टाइम जरूर आपको देखना है कि मिनिमम टाइम कैसे निकालेंगे यानी मैंने आपको बता दिया जो समय आपको यहां दे रखा है ना मिनिमम वाला समय आप ऐसे याद रखो कि जो तीन दे रखा है या चार दे रखा होता है पांच दे रखा होता है तो तीन तो आप झोंके दो तो लिखोगे इस पर पांच से गुणा कर दोगे मिनट का टाइम निकालना है तीन पंद्रह कर दिया और जो पंद्रह है वो सेम यहाँ लिख दो और बटे ग्यारह कर दो बस सीधा सा फंडा ये है आपको और आसान मैंने बता दिया अब आते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे इसके दो तीन सवाल करेंगे बाकी तो फिर कोई भी टाइम दे रखा हो उसमें हम निकाल ही सकते हैं एक ही सवाल है अब ट्राई करो एक बार खुद बहुत आराम आराम से तसली के साथ पढ़ेंगे मतलब किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट या ना रहे या कोई भी सवाल ऐसा ना छूटे वो सोचे कि यार ये तो मेरे से हुआ नहीं मेरे से समझ में नहीं आया या ये रह गया ठीक है सारी चीज़ कवर करेंगे आराम आराम से चाहे आपको कोई भी एग्ज़ाम हो सारे एग्जाम को लेकर चलेंगे कई एग्जाम होते हैं एस के सी जी एल सी एच एस एल एन टी पी सी क्योंकि रीजनिंग सब में सेम आती है कुछ कुछ डिफरेंट है वो भी कवर करेंगे ठीक है अब जैसे इस सवाल पे आते हैं पाँच और छः के बीच अभी अभी मैंने आपको बताया सीधा डायरेक्ट क्या बताया था कि जो मिनिमम टाइम दे रखा है आप उसको यहां लिखिएगा इसमें मिनट का टाइम क्या होगा पाँच बजे मिनट का टाइम क्या होता है पच्चीस क्योंकि मिनट किसी के लिए पच्चीस है वो समय प्लस यही पच्चीस मुझे यहां लिख देना है बहुत छोटे छोटे सोल्यूशन है इनके अगर आप एक बार समझ लोगे तो ग्यारह दूनी बाईस दो बार कटेगा दो इसमें जोड़ दूंगा पाँच सत्ताईस यहाँ पर कितना बचा था तीन बटे बस पाँच सत्ताईस तीन बटे कौन सा ऑप्शन है डी बताओ कुछ है इस सवाल में सेकंड सौ के सवाल है चुटकियों के सवाल आप खुद सोचो अगर आपकी समझ में आ गए और आपके पेपर में आ गया तो आपको क्या करना है सीधा सा बस एक लाइन लिखनी है फॉर्मूला आपको नहीं लिखना बार बार वो तो आपके दिमाग में बैठ गया बस क्या मिनिमम टाइम है जो समय आपको दे रखा है मिनिमम वाला उसको लिखो उसमें पांच की गुणा करो प्लस उस मिनट वाले टाइम समय में ग्यारह से भाग कर दो और जो, जोड़ दो उनको कैलकुलेशन कर लो इससे ज्यादा आसान सवाल तो आपको ओवरलैपिंग का मिलेगा नहीं अब इसके एक और सवाल करते हैं देखो सारी चीजें कवर करेंगे बहुत आराम आराम से बहुत अच्छे समझाएंगे ये बताओ जब तक आप दो तीन साल खुद नहीं करोगे ना तब तक, तक आपको थोड़ी सी दिक्कत लगेगी लगेगी देखो इसने बोला है आपसे नौ और दस के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे जीरो का कोण बनाएंगी इसमें देखो मैंने बताया था ना एक बास क्या लैंग्वेज हो सकती है कि आपसे ये भी बोल सकता है कि जीरो डिग्री का कौन बनाएंगी क्यों क्योंकि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो जीरो डिग्री कौन बनेगा बस सवाल की लैंग्वेज घुमा दी जिससे कि आप कंफ्यूज हो ठीक है जीरो डिग्री कौन बनाएंगी आप खुद सोचो नौ बजे मैंने आपको बताया था नौ लिखना है जो मिनिमम टाइम है चार होता चार लिखते इसके लिए मिनट का टाइम क्या होगा नौ बजे पैतालीस होता है 45 आपने नोट कर दिया 45, प्लस क्योंकि ये मिनट का टाइम है वही मिनट मुझे यहां लिखनी है 45 बटे ग्यारह कर दीजिए आप बताइए नौ ये कितनी बार कटेगा कंप्लीटली चार बार कटेगा ग्यारह चौक चौवालीस चार में पैंतालीस में जोड़ूंगा उनचास जब चौवालीस चला गया बचा कितना एक एक बटे ग्यारह कर दो आप नौ उनचास एक बटे ग्यारह भैया कुछ नहीं है इन सवालों में बस आपको समझने का खेल है सेकेंड के सवाल है ठीक है अब आते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे ये बताओ ये कौन बताएगा जी इसका ये जवाब होगा कौन इसको करेगा अपने अपने अंदर सोच लो क्या इसका जवाब होगा भाई ग्यारह और बारह के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे ओवरलैप करेंगी संपाती होंगी या जीरो डिग्री का कोण बनाएंगी या एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी जैसा आपके छस के ऊपर से जहाज गुजरता है तो आप वो भी संपाती हैं आप एक दूसरे के ऐसे मिनट की सुई आवर की सुई के ऊपर से गुजरेगी तो वो भी संपाती हैं इसमें डिफरेंट जवाब क्या होता है कुछ का जवाब आता है जी 11, 5, कुछ का आता है ग्यारह अट्ठावन कुछ का आता है ग्यारह पचास कुछ का आता है बारह कुछ का आता है नन ऑफ दीज देखो शुरू शुरू में मैंने आपको बताया था पहली दूसरी स्लाइड में कि ग्यारह और बारह के बीच इसने बोला क्या है घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे जीरो डिग्री कोण बनाएंगे सम्पाती मैंने आपको बताया जब घड़ी में बारह बजते हैं तो मिनट की सुई और वर की सभी दोनों एक दूसरे तो के ऊपर होती हैं ठीक है तो ग्यारह और बारह के बीच में ओवरलैप कैसे करेंगी क्योंकि अगर वो ओवरलैप करती हैं तो बारह से पहले करती हैं और बारह से पहले करनी नहीं क्योंकि एग्जैक्ट बारह बजे हो रही हैं तो ग्यारह और बारह के बीच में कभी भी दोनों सुइयाँ ओवरलैप नहीं करेंगी एग्जैक्ट कब करेंगी बारह बजे बारह बजे ऑप्शन में भी नहीं था ना उसने पूछा उसने बोला ग्यारह और बारह के बीच में बीच का मतलब है नन ऑफ बीच करेंगे कैसे देखो ग्यारह लिखा मैंने मिनिमम टाइम ग्यारह है इसके लिए मिनट का टाइम क्या होगा ग्यारह पंजे पचपन यही मिनट में यहां लिखूंगा पचपन बटे ग्यारह ये कंप्लीट पांच बार कटेगा तो ग्यारह पचपन प्लस पाँच कितना हो गया भैया ग्यारह साठ ग्यारह साठ मैंने क्या बताया था शुरू में बारह बारह बजे ओवरलैप करेंगे ना कि ग्यारह और बारह के बीच में ओवरलैप करेंगे तो इसका आंसर क्या था अब देखो अगर आपसे पेपर में सवाल मिल जाए कि ग्यारह और बारह के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे ओवरलैप करेंगी या कितने बजे जीरो डिग्री कोण बनाएंगे तो आपका क्या जवाब होना चाहिए जी नन ऑफ दीज क्योंकि ग्यारह और बारह के बीच में नहीं करेंगी एक्चुअली बारह बजे करेंगी ओवरलैप और जब बारह बजे करेंगी तो फिर ऑप्शन में है नहीं बारह क्लियर पॉइंट अब आते हैं इसके नेक्स्ट अब आपको अब मैंने ये वाले सवाल आपको करा दिए अगर आपको इसमें से कोई भी सवाल पेपर में पूछता है एक तो मेरे रीज का और आपका एक पूछता है कि जीरो डिग्री एंगल या ओवरलैपिंग लेपिंगे तो सीधा सा कोई भी टाइम दे रखा हो चाहे दो से तीन हो चाहे तीन से चार हो चाहे छः से सात हो चाहे सात से आठ हो तो आपको सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाना है और जो आवर का टाइम दे रखा है उसमें पाँच से गुणा करके मिनट का टाइम लेके आना है ठीक है अब आते हैं इसके नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है भाई अच्छा नेक्स्ट जो सवाल ज़्यादा बनते हैं पेपर में वो बनते हैं एंगल पे भाई साहब आपके अगर आपका एंगल ठीक है तो आपके नंबर भी ठीक हैं क्योंकि एंगल पे अगर सवाल आया और आपने गलत किया तो आपके सारे एंगल ख़राब हो जाएंगे आपका जवाब भी गलत आंसर गलत मेरिट गलत आपका टॉप से ऊपर नीचे हो सकते हैं ठीक है अब देखो एंगल में कैसे के सवाल आपसे पूछे जाते हैं एक बार वो बता देता हूँ एंगल में सवाल कुछ भी पूछ सकता है आपसे वो चाहे जीरो डिग्री एंगल पूछे नाइन्टी डिग्री एंगल पूछे वन एटी डिग्री एंगल पूछे लेकिन तीन जो मेन है एंगल वो आपके जीरो नाइन्टी और वन एट्टी तीनों अगर आपने ये पढ़ लिए तो बाकी कोई भी एंगल आपसे नहीं बचा वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे अगर तीनों आपने अच्छे से समझ लिए तो हम तीनों इन एंगल को बहुत ध्यान से समझेंगे बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना है ध्यान देना है इस पर ठीक है अब देखो अगर आपको दिया गया कि जीरो डिग्री एंगल कैसे आपको करना है जीरो डिग्री एंगल आप समझे ना क्या होगा जो मैंने अभी अभी, अभी आपको करा है ओवरलैपिंग टाइम मतलब अगर देखो दोनों से एक दूसरे के ऊपर है तो वो जीरो डिग्री बनाएंगी सेम इसमें है वो ठीक है अब मान लीजिए जैसे ही हमारी क्लॉक दे रखी मैं एक बार यहां बना के दिखा देता हूँ आपको क्योंकि तो यहाँ थोड़ा आप जल्दी अच्छे समझ पाएंगे मान लीजिए घड़ी में बारह बज रहे हैं ये नौ है ये बारह है ये आपका तीन है ये आपका छः है मान लीजिए आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं जी बारह बज रहे हैं यहाँ पे दोनों सूईयाँ ओवरलैप थी अभी मैंने लास्ट वाले सवाल में आपको बताया था ओवरलैप थी अब अगर मैं एक बजे जैसे ही पहुँचूँगा तो देखो आप ध्यान से समझना कि मिनट की सुई तो यहाँ पे है और आवर की भी यहाँ पे तो पहले कौन सी सुई बढ़ेगी पहले मिनट वाली सुई बढ़ेगी और जब मिनट वाली सुई बढ़ेगी यहां से बढ़ती हुई आगे आई हो तो आवर वाली सुई जब पहुंचेगी एक पे तो मिनट वाली सुई कहां आ चुकी होगी ये बढ़ती हुई क्योंकि जब ये पूरा तीन तो डिग्री राउंड लगाएगी तो मिनट वाली सुई तो बारह पे आएगी ठीक है और आवर वाली कहां पे आ जाएगी एक पे आ जाएगी तो क्या बारह और एक के बीच में उसने ओवरलैप किया नहीं किया क्यों नहीं किया क्योंकि अब ये जब दोबारा आगे निकल के जाएगी ना मिनट की सुई तब तक आवर की सुई थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी होगी अब एक बजने घड़ी में अब ये मिनट की सुई है आवर की सुई है जब मिनट की सुई दोबारा आगे बढ़ेगी जब पांच पे यानी एक पे पहुंचेगी पांच मिनट कवर करेगी तो पांच मिनट में आवर की सुई कुछ तो बढ़ी होगी मामूली सी इसलिए बारह और एक के बीच में कभी भी सुइयां ओवरलैप नहीं करती यानी ओवरलैप का मतलब है सवाल आपसे कैसे बनेगा अब सवाल जैसे पेपर में आ सकता है आपसे क्या अच्छा बताइए बारह और एक के बीच में कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ ओवरलैप करेंगी या ज़ीरो डिग्री एंगल बनाएंगी तो आप क्या करेंगे बैठ जाएंगे यार क्या सोचेंगे यार उस फॉर्मूले पर लेके जाएंगे आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए तो कि जब बारह बजे सुई ओवरलैप करी थी तो बारह और एक के बीच में करेंगे नहीं क्योंकि एक पाँच पे जब सुई पहुंचेगी मिनट कवर करेगी तो एक की सुई आगे बढ़ चुकी होगी इसलिए जहां ये ओवरलेप कर रही थी बारह बजे इसके ना तो एक बाद में ओवरलैप करेगी ना पहले ओवरलेप करेगी सेम ग्यारह वाले केस के साथ है ग्यारह वाले केस में भी ऐसा ही है जब सुई घड़ी में ग्यारह बजे थे अब मैं इसको रफ करके बताता हूं आपको जैसे यहां पे आपके बजे थे ग्यारह पूरी रफी कर लेता हूं दोबारा दिखा देता हूं कोई बात नहीं देखो जैसे इसमें बजे थे आपके क्या ग्यारह बजे बारह नौ तीन छ ये ग्यारह बज रहे हैं अब देखो ग्यारह बज रहे हैं अब ग्यारह और बारह के बीच में ओवरलैप कब करेगी सुई जब ये मिनट वाली सुई यहाँ से आगे बढ़ेगी जब आगे बड़ी मिनट वाली सुई तो पूरा एक एंगल जब इसने पूरा राउंड लगाया है, तो मिनट वाली सुई तो बारह पहुंच गई लेकिन उस वक्त आवर वाली कहाँ पहुंचेगी वो भी तो बारह पहुंच चुकी होगी भैया वो भी तो आगे बढ़ चुकी होगी मिनट के साथ साथ ये वाली आगे बढ़ चुकी होगी इसलिए बारह बजे तो ओवरलैप होता है जो मैंने बताया जीरो डिग्री एंगल लेकिन ना तो यहाँ बनता ना यहाँ बनता बारह और एक के बीच में इसलिए यहाँ मैंने यही दिखाया आपको कि बारह और एक के बीच में ओवरलैप नहीं बनेगा ना ग्यारह और बारह के बीच में बनेगा बाकी सब एंगल के बीच में एक एक बार ओवरलैप करेगी क्योंकि जब एक और दो के बीच में आई मान लीजिए तो एक पांच में मैंने आपको बताया था एक पांच के बाद कुछ सेकंड बाद वो ओवरलैप करेगी सेम दो दस के आसपास ओवरलैप करेगी सेम तीन पंद्रह सोलह के आसपास जो मैंने एक सवाल भी करा आपको तीन बज के सोलह मिनट करके कुछ आंसर था उसका तीन सोलह पर ओवरलैप करेगी सेम चार और पाँच के बीच इसलिए हर टाइम के बाद हर टाइम के बीच में एक एक बार ओवरलैप करेगी और एक एक्जेक्ट बारह बजे करेगी तो हमारा सवाल क्या बना कि बारह घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां ग्यारह बार जीरो डिग्री का कोण बनाती हैं या होती हैं। सवाल आपसे क्या पूछ सकता है क्या अच्छा बताइए बारह घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार जीरो डिग्री का एंगल बनाती हैं तो आपका जवाब क्या होना चाहिए ग्यारह बार कैसे देखो एक तो ये रहा? दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह बार ओवरलैप करती हैं। तो सेम चौबीस घंटे में कितना हो जाएगा बाईस बार जस्ट डबल हो जाएगा सवाल आपसे बनेगा कि घड़ी की दोनों सुइयां बारह घंटे में कितनी बार जीरो डिग्री कोण बनाती हैं? तो आपका जवाब क्या होगा ग्यारह बार बारह घंटे में पूछ सकती है चौबीस घंटे में पूछ सकती है जस्ट डबल कर दो ठीक है अब आते हैं नाइन्टी डिग्री एंगल पे अगर मान लीजिए एक सौ अस्सी अच्छा पहले एक सौ अस्सी कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए एक सौ अस्सी एंगल दे रखा है तो आप कैसे करोगे इसको देखो सेम जो मैंने अभी आपको जीरो डिग्री एंगल बताया है सेम एक सौ अस्सी के साथ है अच्छा ये बताओ एक सौ अस्सी कब बनेगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होंगी जीरो पे एक दूसरे के ऊपर थी एक सौ अस्सी पे आमने सामने होंगी तो एक तो कंफर्म है कि छः बजे हमें बता छः बजे वन एट्टी डिग्री बनेगा जब छः बजे वन एट्टी डिग्री बनेगा देखो तो जहां एंगल बनता है एग्जैक्ट जैसे बारह बजे था तो एक उसके पीछे नहीं बनना था एक उसके आगे नहीं बनना था सेम इस वाले केस में वन एट्टी में कि जब छः बजे हमारा वन एट्टी डिग्री एंगल बना तो इसके बाद में नहीं बनेगा एक इसके एक पीछे पहले नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा देखो जब ये बीच में बन रहा है यानी पाँच पचपन के आसपास हमारा एंगल बनता पन के आसपास लेकिन जैसे ही मिनट वाली सुई बारह पहुंची तो आवर वाली छह के बीच में एक सौ अस्सी डिग्री एंगल नहीं बनेगा क्रॉस लगा हुआ है क्रॉस लगा हुआ है ठीक है सेम और सात के बीच में यानी छो बजे वन एट्टी बना फिर यहां से जब सुई घूम के आई तो सात बज के नी के सात बजे वन एट्टी न बन के सात बज के पाँच मिनट के करीब बनेगा यानी सात और आठ के बीच बनेगा तो छः और सात के बीच भी, भी वन एट्टी नहीं बनेगा सेम केस ये वाला है जो जीरो डिग्री का था बाकी हर एंगल के बीच में एक एक बार वन एट्टी डिग्री बनेगा यानी एक एक बार कितने बजे भी चाहे एक बार दोनों सुइयाँ आमने सामने होंगी तो सेम बारह घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ ग्यारह बार वन एट्टी डिग्री का कौन बनाती हैं और चौबीस घंटे में जस्ट आप डबल कर दो बाईस बार तो क्या हमने देखा इन दोनों एंगल को निकाल के जीरो और एक सौ अस्सी को निकाल के कि दोनों में सेम केस है सेम आंसर है कि जीरो डिग्री और एक सौ अस्सी डिग्री एंगल बारह घंटे में कितने बनते हैं ग्यारह बार बनते हैं चौबीस घंटे में बाईस बार बनते हैं ठीक है जी अब आते हैं नाइनटीन ये सवाल आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट पेपर में कैसे पूछेगा कि अच्छा बताइए 180 डिग्री एंगल 24 घंटे में कितनी बार बनता है तो आप पता है यार अगर आप तो यहां पढ़ रहे हो भी आप पेपर में अचानक देखोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा पता नहीं यार क्या सवाल है कैसे बनेगा डिग्री जब दोनों आपने सामने हो यानी कितना बाईस बार बनेगा चौबीस घंटे में ठीक है अब आते हैं 90 डिग्री पे क्या होगा 90 डिग्री थोड़ा डिफरेंट है इसे देखते हैं जीरो एक सौ अस्सी आपको समझ में आए कितनी बनती है जीरो और एक सौ अस्सी डिग्री एंगल बारह घंटे में ग्यारह बार चौबीस घंटे में बाईस बार ये जस्ट डिफरेंट है देखो आपको पता है कि तीन बजे कितना बनता है नाइन्टी डिग्री एंगल नौ बजे कितना बनता है नाइन्टी डिग्री एंगल यानी तीन और नौ कन्फर्म तो है कि नाइन्टी डिग्री एंगल बनेगा बनेगा अब इससे पहले कितना बनेगा देखो अब अगर मैं बारह और एक के बीच में आता हूँ सबसे पहले तीन और नौ छोड़ देता हूँ ये तो दो कन्फर्म हो गए मुझे मैं बारह और एक के बीच में आता हूँ मान लीजिए घड़ी में बारह बज रहे हैं एक बार यहां बना के दिखाता हूँ आपको एक एंगल फिर आप थोड़ा समझ जाओगे नौ बारह तीन छ जैसे मान लीजिए घड़ी में बज रहे हैं बारह ये बारह बज रहे हैं ठीक है अब अगर मैं बारह बजे अब मिनट की व यहाँ से आगे बढ़ी यानी सवा बारह के आसपास जब पहुंचेगी सवा बारह के आसपास तो एक बार एक्जैक्ट सवा वारा नहीं है क्योंकि जब मिनट किसी तीन पे आएगी तो कुछ आवर किसी आगे बढ़ चुकी होगी तो सवा वारे के अराउंड सवा वारे के आसपास एक बार 90 डिग्री बनेगा भाई सुई ऐसे होंगी ना थोड़ी सी मामूली से ऐसे होंगी 90 डिग्री बनेगा और एक कब बनेगा पौने एक के आसपास बनेगा 90 डिग्री इसलिए बारह और एक के बीच में दो बार 90 डिग्री बनेगा वही मैंने यहां लिखा है कि बारह और एक के बीच में दो बार 90 डिग्री बनेगा सेम एक और दो के बीच में कब एक तो बनेगा एक बीस के आसपास एक बनेगा आपका कब करीब दो पचास के आसपास बनेगा सेम दो और तीन के बीच में एक बार बनेगा लेकिन दो बार बन सकता था क्यों नहीं बना क्योंकि एकज तीन बजे बन गया एकज तीन बजे बन गया एक तो सेम यहां पे केस हो गया हमारा ये इसको हटा दो यहां से ठीक है एक तीन बजे बन गया जब एक तीन बजे बनेगा तो तीन बजे के बाद जो बनेगा वो भी एक बार बनेगा क्योंकि भाई सवा तीन पैंतीस के आस पास बनेगा एक फिर पहुंच जाएगा वो तीन बजे था ही तो दोबारा पहुंच ही नहीं पाएगा चार बजे के बीच में तो तीन और चार के बीच में एक बार बनेगा यानी ये वाले जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे इनके आस पास ऊपर और नीचे एक बार पहले एक एक बार बनेगा एक एक बार सिर्फ एक यहाँ पर और एक यहाँ पे सेम यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बाकी हर टाइम के बीच में दो दो बार बनेगा क्यों बनेगा क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट तीन और नौ वाला केस नहीं था यहां पे तीन और नौ एग्जैक्ट एक, एक बार नाइनटी डिग्री बनना था इसलिए इनके आगे पीछे एक एक बार बना है ठीक है तो इसमें जस्ट डबल होता है जैसे बारह एक के बीच में दो बार दो चार पांच छह सात दो नौ ग्यारह तेरह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह दो बीस और दो बाईस यानी बारह घंटे में अगर मैं नाइन्टी डिग्री की बात करूं दू कितना बनता है वो बाईस बार और 24 घंटे में जस्ट कितना हो जाएगा जस्ट डबल हो जाएगा अब आपने क्या देखा कि जीरो और एक कितने बनते बन रहे थे बारह घंटे में ग्यारह बार और नाइन्टी डिग्री कितना बन गया बाईस बार यानी अब इन दोनों एंगल को छोड़ के जीरो और एक सौ अस्सी को छोड़ के जीरो और एक सौ अस्सी को छोड़ के कोई भी एंगल बारह घंटे में बाईस बार बनेगा सिर्फ जीरो और एक सौ अस्सी ऐसे हैं जो सिर्फ ग्यारह बार बनते हैं इसकी एक, एक लाइन आप नोट कर लो जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अगर मान लीजिए जैसे आप ये तो आपने नाइनटी जीरो और वन एट्टी पढ़ लिया आपको लगे यार बाकी एंगल तो हमने पढ़े ही नहीं थे तो एक जो मेन लाइन है वो आप याद कर लो कि जीरो और एक सौ अस्सी को छोड़कर कोई भी कोण बारह घंटे में बाईस बार बनता है अभी मैंने आपको क्या बताया जीरो डिग्री कितना बनेगा ग्यारह बार वन एट्टी डिग्री कितना बनेगा ग्यारह बार और नाइन्टी डिग्री कितना बनेगा आपका बाईस बार तो इन दोनों एंगल को छोड़कर बाकी कोई भी एंगल हो वो बाईस बार बनेगा चाहे आपका कोई भी एंगल हो आपको सवाल में पूछा गया है कि अच्छा बताइए ये फोर्टी फाइव डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा सीधी सी बात है बाईस बार बनेगा कोई भी एंगल हो ठीक है अब आते हैं सवाल पे। अच्छा इसका सवाल आप मुझे बताओ इसका जवाब क्या होगा जो मैंने अभी बताया आपको पढ़ाया सेम उसी पर सवाल है ये सवाल ये है आपसे पूछा गया है कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार नब्बे का कोण बनाएंगी बताओ भाई एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार नब्बे का कोण बनाएंगी अभी अभी जस्ट बताया लास्ट स्लाइड इसी की पढ़ाई थी मैंने अभी आपको यार अभी अभी आपको बताए कि जीरो एक सौ अस्सी को छोड़कर कोई भी एंगल बारह घंटे में कितना बनता है बाईस बार पूछा कितना है उसने एक दिन मतलब चौबीस घंटे कितना हो गया चौवालीस बार नहीं हो गया बताओ ये तो मैं आपको पूरा लेख के बता रहा हूं बाकी इतना थोड़ी आपको टाइम लेना है पेपर में जीरो एक सौ अस्सी को छोड़कर कोई भी एंगल बारह घंटे में बाईस बार बनता है उसने चौबीस घंटे में पूछा था कितना हो गया चौवालीस बार सवाल आठ अभी क्लॉक में आगे बहुत सवाल रह गए अभी हम करेंगे सारे सवाल ये तो मैंने बहुत आपको बेसिक बताया अभी जो सवाल आते हैं एंगल पूछेगा टाइम पूछेगा आपको एंगल देने के बाद तब आपको कैसे करना है ये बताओ सवाल ये आपसे बोला है उसने कि दो दिन में घड़ी की दोनों सुइया कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगे ये हुआ देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था जीरो और एक सौ अस्सी को छोड़कर कोई भी एंगल कितना बनता बाईस बार लेकिन एक सौ अस्सी तो कितना बनेगा बारह घंटे में ग्यारह बार पूछा कितना है दो दिन में कितने हो गए दो दिन में अड़तालीस घंटे गुणा चार गुणा चार कितना हो गया चौवालीस बार फोर्टी फोर इसका आंसर है आसान था अभी यह भी बताया ठीक है थीके? अब आते हैं सवाल नंबर नौ पे ये बताओ ये बहुत डिफरेंट सवाल है इसका जवाब कौन देगा भाई इसमें आपकी असलियत पता लगेगी तीन दिन में घड़ी की दोनों कितनी बार सीधी लाइन बनाएंगी सीधी लाइन बनाएंगी देखो सीधी लाइन में आपको दोनों चीज कवर करनी है जीरो डिग्री भी कवर करना है और वन एट्टी डिग्री भी कवर करना है अभी अभी बताया आपको कि बारह घंटे में एक ही चीज बार बार लिख रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए है जीरो डिग्री एंगल कितना था ग्यारह बार वन एट्टी डिग्री एंगल कितना था 11 बार यानी एक बार में कितना बना बारह घंटे में वो 22 बार देखो हमने जीरो और एक क्यों लिए हैं क्योंकि उसने सीधी लाइन बोल दी सीधी लाइन में आपको जीरो डिग्री भी कवर करना है और वन डिग्री भी कवर करना है अगर हम सिंपल वन डिग्री बोलेगा तो वन डिग्री लेंगे जो हमने लास्ट सवाल में लिया और एक बार जीरो डिग्री बोलेगा जीरो डिग्री लेंगे लेकिन अगर सीधी लाइन बोली है ध्यान रखना इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है सीधी लाइन में आपको जीरो और एक सौ अस्सी दोनों कवर करने हैं कितना हो ग्यारह ग्यारह बार हो गया तीन दिन पूछा है कितने होते हैं तीन दिन में बहत्तर घंटे होते हैं बारह छिंक बेहत्तर गुणा आप छः कर दो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका वन थर्टी टू टाइम्स यानी कौन सा आंसर है बी बी इज़ द राइट आंसर क्लियर हो पॉइंट तो देखो आज हमने क्लॉक में बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी लेकिन इन बेसिक चीज़ में भी कई सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं मेर इमेज का पूछ लेगा या ओवरलैपिंग टाइम का पूछ लेगा या आपसे ये पूछ लेगा अच्छा बताइए कि नब्बे डिग्री एंगल तीन दिन में कितनी बार बनेगा या बारह घंटे में कितनी बार बनेगा अब जो इसमें सवाल बचते हैं जैसे कि आप एक मैं आपको बता देता हूँ जैसे मान लीजिए कोई टाइम दे देगा आप बोलेगा अच्छा बताओ तीन और चार के बीच में कितने बजे सौ डिग्री कौन बनेगा नब्बे डिग्री कौन बनेगा या सात डिग्री कौन बनेगा एक दूसरा सवाल टाइप का आएगा कि अच्छा बताइए सौ डिग्री एंगल तीन और चार के बीच कितने बजे बनेगा फिर एग्जैक्ट टाइम पूछता है इसमें एंगल दे दिया टाइम पूछ रहा है उसमें टाइम दे दिया फिर एंगल पूछेगा ठीक है तो और एक और टाइप के सवाल ऐसे हम हैं कि अच्छा बताइए तीन और चार के बीच में कितने बजे तीन बजे तीन और चार के बीच कितने बजे मिनट की इतने मिनट आगे होगी या पाँच मिनट पीछे होगी तो मतलब काफ़ी टाइम के सवाल बनते हैं जो सारे सवाल जितने भी टाइप के बनते हैं हम सारे कवर करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में आज इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लॉक पार्ट वन हम इसको बोलते हैं नेक्स्ट पार्ट टू आएगा उसमें हम बाकी जो टाइप के सवाल रह गए या जो भी डिफरेंट टाइप के सवाल हैं वो सारे कवर करेंगे और बिदा लेता हूँ आपसे ध्यान रखिएगा अपना नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी लेकिन आप इसी तरह मन लगा के पढ़ती रहेगा तभी हमें खुशी होगी आपको खुशी होगी आप आगे बढ़ेंगे ठीक है बिदा लेता हूँ आपसे नमस्ते